विकासनगर पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की शाखा पचवादून द्वारा अपना तृतीय स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विशिष्ट अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित पीबीओआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर बिष्ट समेत पूर्व सैनिक और अन्य लोग शामिल हुए। इसी दौरान पीबीओआर की शाखा विकासनगर के अध्यक्ष भूपेंद्र डोगरा द्वारा एसोसिएशन की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला गया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व सैनिकों का यह संगठन सैनिकों के साथ ही समाज हित के में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार भी सैनिकों व पूर्व सैनिकों के हित में व्यापक काम कर रही है, जिसके चलते सम्मान राशि को 50 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही देश हित में शहीद हुए सैनिकों आश्रितों को एक नौकरी देने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में भी क्षेत्रीय विधायक सहित संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता कर इस ओर पहल की जाएगी। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ये मेरे लिए फख्र की बात है, देश के प्रहरी के रूप में देश की सीमा और रक्षा करने के बाद ये पूर्व सैनिक एसोसिएशन विकासनगर एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से इनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ, इनके केंद्रीय संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ये समाज के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पूर्व सैनिकों के हितों की लड़ाई को भी ये लड़ रहे हैं। और आज हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कारगिल दिवस पर जो एक पुरस्कार राशि सम्मान राशि दी जाती है उसको बढ़ाकर हमने 50 लाख कर दिया है। हमने जो देश की सीमा पर जवान शहीद होते हैं, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है, देश की रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमने ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर 9 से अधिक जवान हमारे शहीद हुए हैं, हमने कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करते जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का, उसको नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। अभी तक 27 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने रिक्रूटमेंट बदले की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने हमारे जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं जो सैनिकों के बीच में काम करते हैं, मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं। लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है और उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो निहाल गांव में बनकर तैयार हो गया है लगभग, जिसमें पूरे प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मट्टी हम लेकर आए हैं, 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं, उसमें सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। भारत की सेना में दो सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें हैं। और देश के पहले CDS जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान एक बार हमला करें तो हमारी सेना लड़ने में सक्षम है, उसके नाम पर जो द्वार है उसके नाम पर होगा। और कहने का तात्पर्य है कि आज जितनी सुविधाएं सैनिकों को इस सरकार में मिल रही हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है और आगे भी हम सैनिकों के कल्याण के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि।